एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था दादी मानसी। वह गांव की सबसे पुरानी और समझदार महिला थी। उसके पास बहुत सारी कहानियां थीं जो वह बच्चों को सुनाया करती थी। एक बार गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही उत्साही और खोजने में रुचि रखने वाला था। वह हर बार दादी मानसी के पास जाता और नई कहानियां सुनने के लिए पूछता था। एक दिन दादी मानसी ने राजू से कहा, राजू तुम्हें कहानियों के अलावा अपनी खुद की कहानी लिखनी चाहिए। ये सुनते ही राजू ने दादी मानसी से पूछा, लेकिन मुझमें वह रचनात्मकता कहाँ से आएगी? दादी मानसी ने कहा, हर किसी के पास कहानी होती है, तुम्हें बस अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करके उन्हें कहानी के रूप में तैयार करना होगा। राजू ने अपनी दादी की बात मानी और अपनी जिंदगी की कुछ घटनाओं को लिखना शुरू किया। वह अपनी स्कूल के दिनों की बातें, अपने दोस्तों के साथ के अनुभव और उनकी पहली बार बहादुरी से जुड़ी कहानियों को लिखता गया। कुछ समय बाद वह अपनी खुद की कहानी को दादी मानसी को सुनाने गांव आया। उसने दादी मानसी को सुनाया कि कैसे वह अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को एक सुंदर कहानी में बदल दिया है। दादी मानसी बहुत खुश हुई और राजू की कहानी को सुनते हुए बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, राजू तुम्हारी यह कहानी ने मुझे दिखाया कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सिखाना चाहिए। राजू ने पूछा, क्या यही आपकी बात है कि हर कहानी में एक सीख होनी चाहिए? दादी मासी ने हाँ कहा। उसने और भी कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ कहानियाँ हमें वह सीख सिखाती है जो हम अपने अनुभवों से नहीं सीख सकते। राजू ने उसकी बातों को समझा और दादी मासी के उपदेश को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी की ओर से नई कहानियाँ सो लिखना शुरू किया। और फिर वह भी अपनी कहानियों को लोगों को सुनाने गांव की यात्रा पर निकलता रहा। लोग बहुत प्रभावित होते थे उनकी कहानियों से। आखिरकार एक दिन वह अपनी आखिरी कहानी सुनाने के लिए उसी गांव लौटा। लोगों ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया। राजू ने अपनी आखिरी कहानी में कहा, कहानियां हमारी जिंदगी की महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है। जब हम किसी कहानी को सुनते हैं, हम उससे कुछ सीखते हैं, उसे समझते हैं और अपनी जिंदगी में उसे लागू करते हैं। उसने अपनी कहानी में ऐसे संदेश दिए जो सभी को गहरी सोच में डाल दिया और उसकी आखिरी कहानी के समापन पर लोगों ने उसे खूबसूरती से तालियां बजाईं। राजू ने दादी मासी की याद में उनकी सिखाई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए गांव को छोड़ दिया, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहीं। उसका संदेश था कि हर कहानी में एक सीख छुपी होती है और हर किसी की जिंदगी में उस सीख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजू ने सबको यह बताया कि हमें अपनी जिंदगी की हर कहानी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वह हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। और इसी तरह उसकी आखिरी कहानी ने सबको एक सोचने का मौका दिया और लोगों ने उसे याद किया। उसकी आखिरी कहानी थी, लेकिन उसकी कहानियां और सीख आज भी जिंदा हैं। और ऐसी ही हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत बिना वक्त बर्बाद किए सुनने वालों को जोरदार इंप्रेशन छोड़ता है।